आदरणीय मुख्य अतिथि फादर अब्राहम जी, प्राचार्य, उप प्राचार्य, माननीय शिक्षकगण, फादर्स, सिस्टर्स एवं यहाँ पर उपस्थित आप सभी कला साधकों को हमारा सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सभी हमारे देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। पूरा देश आज़ादी की सालगिरह में डूबा हुआ है। 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को 200 सालों के अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। यह विशेष दिन केवल स्वतंत्रता दिवस का सालगिरह का उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह आज़ादी व लोकतंत्र की भावना को कायम रखता है और प्रत्येक भारतीय के दिल और दिमाग में देशभक्ति का उत्साह जगाता है। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आपके सामने बीपीए प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राओं को स्वागत नृत्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। दिन दिन दा, दिन दा। धिटकतान धा तिटकत गधिगन धिन धिन धा धिन धा धिटकतान धा तिटकत गधिगन धाधिर धाधिर धिर धाधिर धाधिर धिर धाधिर धाधिर धिर धाधिर धाधिर धा धुना कर तक धा धिर धा धिर तक धा धिर धा 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 अतिथि आपको करते हैं। धड़कन कहती है।
स्वागतम अतिथि आपको करते हैं स्वागतम 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 दुआएं देकर हम करते हैं स्वागतम स्वागतम भावतलों से हम करते हैं स्वागतम स्वागतम महफिल सजाकर करते हैं स्वागतम 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 स्वागत स्वागतम स्वागतम स्वागत स्वागतम 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 धन्यवाद आपके बेहतरीन स्वागत नृत्य के लिए। अब मैं बीपीए फोर्थ ईयर स्टूडेंट दुर्गा रावत को आदरणीय मुख्य अतिथि और सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू एवरीवन एंड हार्टी वेलकम आर टुडेज चीफ गेस्ट रेवरेंड फादर विल्सन अब्राहम MSFS। वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर एट नव साधना कला केंद्र on this auspicious day. Now, I would like to give a short introduction about your journey till now. You have completed your studies in philosophy from St. Charles Seminary, Nagpur, and theology from JDN in Pune. You became a priest in 2004, and you have been priest for 20 years. After ordination, you were appointed in Minor Seminary in Kerala. After that, you were provincial bursar for many years because you were good in accounts. You had gone to Rome for your higher studies in spirituality. After coming from Rome, you were appointed in Sacred Heart Parish in Bhushaval, Maharashtra. Since last year, you have been in Dhyanashram, Varanasi as novice master. By heart, you are a very good person, acceptable, demanding, and challenging. We are happy to have you amidst us, dear Father. Now, I request our director, Father Francis D'Souza, to present a token of love to our chief guest, Father Wilson Abraham, on behalf of Navsadhana Kala Kendra. Thank you, Father. I also welcome all the fathers and sisters who are come to attend our program. Your presence add more charm to our program. Once again, a warm welcome to everyone present here. Thank you. कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अब आपके सामने आ रहे हैं गायन के साधक अपना स्वरचित गीत लेकर, जिसके बोल हैं भारत माता की जय बोलो, धरती से अंबर तक गूंजे स्वर। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धरती से अंबर तक गूंज स्वर।
के दिल में कोई अरमान, विश्व हो हमारा सबसे महान। हर एक दिल में कोई अरमान, विश्व हो हमारा सबसे महान। भारत माता की जय, बोलो धरती से अंबर तक पूज स्वर सबसे महान, सबसे महान। देश मेरा सबसे महान, सबसे महान, सबसे महान। सबसे महान देश हो मेरा, सबसे महान। वीरों की गाथा सुनाई धरती, हर बलिदान की जैसे माला सजी हुई। वीरों की गाथा सुनाई धरती, हर बलिदान की जैसे माला सजी हुई। नदियों के संग रहता हो प्यार, फूलों से बहके हर एक द्वार। नदियों के संग रहता हो प्यार, फूलों से बहके हर महान। हर एक दिल में कोई
सबसे महान, सबसे महान देश हो मेरा, सबसे महान देश हो मेरा, सबसे महान देश हो मेरा, सबसे महान। धन्यवाद आपके मधुरमय गीत के लिए। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, वो भारत वतन हमारा है, वो भारत वतन हमारा है। इसी भावना को अपनाते हुए अब हम बीपीए चतुर्थ वर्ष की छात्राओं को शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिसके बोल हैं आओ करें राष्ट्र वंदन हम। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
नेपाल हिमालय उत्तर दक्षिण चरण पखारी समुद्रम उन्नत भाल हिमालय उत्तर दक्षिण चरण पखारी समुद्रम हे धरती हम सबको प्यारी इसकी सेवा में निकले दम आओ करें राष्ट्र वंदन हम आओ करें राष्ट्र वंदन हम माँ भारती का वंदन हम माँ भारती का वंदन हम आओ करें राष्ट्र वंदन हम आओ करें राष्ट्र वंदन हम माँ भारती का वंदन हम ओ धन्यवाद आप सभी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज़ादी के इस उत्सव में और आगे बढ़ते हुए अब मैं बीपीए द्वितीय वर्ष की आंचल को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए आमंत्रित करती हूं। जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो मिट्टी हिंदुस्तान की हो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। माननीय मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्राचार्य जी उप प्राचार्य जी यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 15 अगस्त भारत देश के गर्व सौभाग्य व सम्मान का दिवस है। 15 अगस्त भारत देश के सौभाग्य का दिवस है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। तब से सभी भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा मेरे जाने की बात भी तिरंगा मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पर ऐसे मुस्कुराएगा ऐसे मुस्कुराएगा ऐसे मुस्कुराएगा। आज हमें सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। महात्मा गांधी भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद बाल गंगाधर तिलक सरदार वल्लभ भाई पटेल रानी लक्ष्मीबाई सरोजनी नायडू जैसे नेताओं ने दृढ़ संकल्प के साथ आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। आज भी हमारे देश के सैनिक सीमा पर देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। 15 अगस्त का दिन हमारे मन में देशभक्ति और एकता एवं भाईचारे का संदेश देता है। अब मैं अपने इन्हीं वचनों को विराम देते हुए आप सभी के समक्ष दो लाइन की एक छोटी सी गीत की प्रस्तुति दे रही हूँ। सभ्यता जहाँ पहले आई सभ्यता जहाँ पहले आई पहले जन्मी है जहाँ पे कला पहले जन्मी है जहाँ पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे
पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद आंचल, आपके देशभक्ति भाव से ओतप्रोत शब्दों के लिए। अब आपके सामने आ रहे हैं गायन मंडली के विद्यार्थी अपना देशभक्ति गीत लेकर, जिसकी रचना कला साधकों द्वारा स्वयं की गई है, जिसके बोल हैं ये देश है मेरा वतन। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये
ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा वतन। इस मिट्टी से बने इस पे है जान सा, इस मिट्टी से बने इस पे है जान सा, इस पे है जान सा, इस पे है जान सा। ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा वतन। Respected Father Francis, the director of Navasadhana, staff and students of this institution, fathers and sisters and esteemed guests, we are so happy to come to this place whenever there is an invitation, because your performance every time is mesmerizing. Today, for example, we had only few things and an ordinary event, and yet how interesting it was, especially the two dances that we have seen, the choreography, the coordination, the costume, besides the mesmerizing performance, made us to sit there without knowing the time that went on. And the songs as well, how wonderfully that they have performed. So congratulations to all those who came on stage to perform and those who worked behind the curtain to make them capable of doing that. Thank you for giving us this kind of opportunity now and then to come and witness something that inspires us and motivates us also to learn something from you to put into practice. It's a great honor to stand before you today as we celebrate the 78th Independence Day of our beloved nation. I would like to just say one story and a few quotations as a message. Once a widowed mother sent her only son abroad in search of a good job for the sake of survival. And only both of them were there in the house and somehow managed to get some loans and lot of people's support in order to get a job abroad and spend a lot of money and son reached abroad, started working.
But then this mother was feeling very lonely without this son who was her beloved and the only one in the family. Somehow he managed to get somebody's phone and called him and said, "My dear son, I am feeling very lonely without you. You better, even if you do not have money, you better come back. Your presence is precious than the money that you can bring." But the son said, "So much money that I have spent taking loans and collecting from different sources of friends and for the visa, for the agent, and a lot of money that he spent, I cannot come back. I will not be able to pay back." So he thought, "Let me send some gift which can give her company because she is feeling very lonely." So he went around searching. After many, many shops visiting, he found something very, very precious but costly. A bird which could sing melodiously and could speak a few languages, including the language of her mother, his mother. So he decided somehow to buy this bird and will send with the friend who is going home for holiday this week. And when he inquired the amount, he said, "So much money that 3 months' salary he took in advance in order to pay for this bird and send with the friend who was going home." And the friend went, visited this family and gave to the mother this bird that was sent by his friend. And then friend went to his home and here and there. After a few days also, he did not get any call from this mother. So he called the neighbor because she is not using mobile. Gave the neighbor and said, "Can you please go and give mobile to my mother? I want to speak with her." And he was very happy to hear mother's voice and spoke for some time. But the mother did not say anything about the bird. Then suddenly he asked, "By the way, I had sent you a bird. How is it? Is it enjoying, entertaining you?" Then he said, "It was delicious." When son was at home, he used to bring now and then chicken, duck, something or the other, and he used to cut and cook and eat, and he was enjoying. Now sent from abroad, he could not wait even for 1 minute. So happy that he got sent a bird from abroad, immediately cut and cooked and ate, and says, "It was delicious." The son was expecting for her to be entertained by this bird, give company to this bird, and it was very, very expensive, but she did not know the preciousness or the value of this bird, and she said, "It was delicious." When we come to our nation, Netaji Subhash Chandra Bose said, "Freedom is not given, it is taken. Freedom is not given, it is taken." On this day, we pay tribute to the countless freedom fighters of the past and the present soldiers all around, because of whom we are free, we are happy, living with the privileges of independence. The classical dance that we have seen reminds of Mahatma Gandhi, who famously said, "Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization. Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization." India is a land of remarkable diversity, encompassing a wide range of cultures, languages, religions, and traditions. Despite these differences, we have remained united. This unity in diversity is our greatest strength. It proves that when we stand together, no challenge is too great and no dream is too distant. Two patriotic songs that we heard. Patriotism is not merely about celebrating Independence Day. It is about embodying the spirit of independence every day. Sarojini Naidu once said, "A country's greatness lies in its undying ideals of love and sacrifice that inspire the mothers of the race." A country's greatness lies in its undying ideals of love and sacrifice that inspire the mothers of the race. Patriotism involves contributing to the growth and development of our nation in every way possible. Whether through your studies, your work, or your social interactions, let your actions reflect your love for India. As Mahatma Gandhi said, "The future depends on what we do in the present. The future depends on what we do in the present." To the young boys and girls sitting here, you are the future of our nation. The torch of progress has been passed on to you. It is your responsibility to carry it forward with pride, dedication, and purpose. Remember,
The future of India is in your hands. So strive for excellence in all that you do, for your achievements will shape the destiny of our nation in which we live. Now Sadhana is an educational institution, and we know education plays a crucial role in nation building. Dr. S. Radhakrishnan said, the end product of education should be a free, creative man who can battle against historical circumstances and adversities of nature. The end product of education should be a free, creative man who can battle against historical circumstances and adversities of nature. As students, your primary duty is to equip yourselves with knowledge and skills. Use this knowledge not only for personal gain, but also to uplift others and contribute positively to the society. While embracing global perspectives, never forget local values. As APJ Abdul Kalam said, globalization should not be an excuse to abandon our own values and traditions. Our roots give us strength, and our culture should guide us in navigating the global world. Our local values are the foundation of our identity. Let us pledge today to work towards a prosperous, inclusive, and sustainable India. Let us uphold the ideals of our forefathers and build a nation that we can be proud of. Once again, wish you a happy Independence Day. Jai Hind. धन्यवाद फादर आपके अनमोल वचनों के लिए. 26/11 के आतंकी हमले को मंच पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं BPA प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राएं. कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें. सलाम. वालेकुम सलाम. क्या हुआ? हमारे इंजन का बेल्ट टूट गया है, थोड़ा मदद करो. कहाँ से हो भाई? कराची से. ट्रांसपोर्ट ट्रॉलर है हमारी, खराब मौसम की वजह से यहाँ पहुँच गए. मदद करो. कितने लोग हो तुम? 5 लोग हैं हम. और कोई है? नहीं. साहब, हम तो सिर्फ मछुआरे हैं साहब. साइड में ले जाओ, इन चारों को ले जाओ. देखो तुम्हें इन्हें मुंबई तक पहुंचाना है. उसके बाद सबको छोड़ देंगे. मेरे लोगों को छोड़ दो साहब, उनको मेरे साथ ही रहने दो. जो कह रहा हूं वो सुनो, इन्हें मुंबई तक पहुंचा दो, उसके बाद सबको छोड़ दे. मेरे लोगों को छोड़ दो साहब, सबको मेरे साथ रहने दो. हे रमेश बालू.
हमेशा की तरह लियोपोल्ड कैफे में बियर के गिलासों की खनक। इन मेहमानों को कोई अंदाजा नहीं है कि उन पर क्या कहर टूटने वाला है। मिनट ताज पैलेस। ये होटल 105 साल से मुंबई की शान बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ तबाही का ऐसा मंजर होगा जिसके बारे में सोचकर भी लोग सहम जाएंगे। नवंबर 2008, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे देरी से चल रही थी। सवारियां ये नहीं जानती थी कि ये देरी एक जानलेवा मुसीबत बन जाएगी। 2-2-7-3-2 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हैदराबाद एक्सप्रेस कृपया ध्यान दीजिए 2-2-7-3-2 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हैदराबाद एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। नवंबर 800 सिपाहियों ने लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, सीएसटी स्टेशन और कामा हॉस्पिटल को घेर लिया। सर, स्कोड़ा लग रही है। ए, नीचे उतरो। कम ऑन, मूव इट फास्ट। बाहर निकलो, जल्दी करो। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, बाहर निकलो। कम ऑन, मूव मूव।
पूछ रहे हैं भारत मां हमसे ये प्रश्न दोबारा, क्या सारी जान से अच्छा वाकई हिंदुस्तान हमारा? हिम्मत कैसे कर लेता दुश्मन मेरे घर में घुसाने की? हिम्मत कैसे कर लेता दुश्मन मेरे घर में घुसाने की? अपने नापाक इरादों से मासूमों पे कहर ढहाने की? कौन है वो कमजोर कड़ी जिसने छीना अमन हमारा? कौन है वो कमजोर कड़ी जिसने छीना अमन हमारा? क्या सारे जहां से अच्छा वाकई हिंदुस्तान हमारा? आ सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, आ सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। बाइबल और कुरान एक है, संघ है कुर्बानी गीता, गांधी भगत आजाद बोस का जीवन यही यही बीता। इसे मिटाने वाले मिट गए, ये है इतिहास हमारा। इसे मिटाने वाले मिट गए, ये है इतिहास हमारा। हाँ सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद आप सभी को आपकी इस सुंदर नाट्य प्रस्तुति के लिए। मैं अब हमारे डायरेक्टर फादर फ्रांसिस जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और कुछ शब्द कहें। आदरणीय मुख्य अतिथि फादर विल्सन जी, सिस्टर सरला वाइस प्रिंसिपल, शिक्षकगण, फादर्स सिस्टर्स ब्रदर्स और छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अभी तक हम लोगों ने अनेक या विशेष गानों द्वारा, देशभक्त गीतों द्वारा, भाषण द्वारा, नाटक द्वारा और नृत्य द्वारा हम लोगों ने आज उन महान वीरों को याद किया, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, और किस प्रकार उन सभी ने हमारे देश की रक्षा की, और ये सब ये दर्शाता है कि उन लोगों ने अपनी देश की रक्षा इसलिए की कि वो एक देश प्रेमी थे। इसलिए हम लोगों ने इन सभी वीरों को याद करके उनके बलिदान के त्याग को भी हम लोग याद करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हम सब हर एक साल मनाते हैं, स्वतंत्रता को याद करते हैं। इंडिपेंडेंस डे, उस दिन हम सब हमारी आजादी को याद करते हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति दिवंगत APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, स्वतंत्रता आजादी के बारे में नहीं है, वो एक आत्मखोज के बारे में है, आत्मबोध के बारे में है। इट इज ए सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ डिस्कवरी, आत्मखोज, इसलिए कि
जब हम कैद रहते हैं हम लोगों को मालूम नहीं होता कि बाहर क्या होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हम खोज करें, न केवल दुनिया की बल्कि अपने ही अपनी क्षमता की, कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूं। इसलिए जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये तो सही है हमारे उन महान सैनिकों को या नेताओं का, वीरों का याद करते हैं और उनको हम धन्यवाद भी देते हैं क्योंकि उन लोगों ने हमारे देश की रक्षा की है। लेकिन आजादी, जब हम वो स्वतंत्रता को अपने आप नहीं खोजते हैं, जो आंतरिक स्वतंत्रता है, जो आंतरिक आजादी है, वो है महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए। दिवंगत नेल्सन मंडेला जी, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता या आजादी अपने जंजीरों से छुटकारा पाना नहीं है, अपनी जंजीरों को उतारना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये कैदी है उसको बाहर आने से कोई मतलब नहीं है, जब तक वो अपने जीवन से दूसरों की आजादी को बढ़ाता है, दूसरों की स्वतंत्रता को बढ़ाता है और दूसरों को सम्मान करता है। अगर हम आज जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सवाल हम सबके सामने है, क्या हम दूसरों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, सम्मान करते हैं, या और भी आज हमको जो गरीब है उनको क्या दबा के रखते हैं? स्वतंत्रता यह है हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, दूसरे भी उन्नति करें, और यही है हम सबका जो आज हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं इसका मतलब होना चाहिए। एक बार फिर मैं हमारे मुख्य अतिथि रेवरेंड फादर विल्सन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज यहां आकर हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। हम भी गौरवान्वित हैं कि आप ये हमारे यहाँ आए और हमारी ये प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे गुरुजनों ने जो आज का इस प्रोग्राम का आयोजन किया, हमारे सिस्टर सरला जी के साथ, इसलिए मैं भी हमारे सभी शिक्षकगण और स्टूडेंट्स को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि हमारा जो देश जो स्वतंत्र हुआ है, हम भी स्वतंत्रता को महसूस करें, अनुभव करें और दूसरों को सम्मान दें और दूसरों की स्वतंत्रता को बढ़ावा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद फादर आपके अनमोल वचनों के लिए। अब मैं हमारे फादर फ्रांसिस जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी को भेंट चिन्ह प्रदान करें। अब कार्यक्रम का अंत करते हुए मैं अब हमारी चतुर्थ वर्ष की छात्रा साक्षी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिनकी कृपा से हमारा आज का आज़ादी उत्सव सफल रहा है। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का विशेष योगदान रहा। हम धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम धन्यवाद देते हैं हमारे डायरेक्टर फादर फ्रांसिस डिसूजा जी को, वाइस प्रिंसिपल सिस्टर सरला, सभी फादर्स, सिस्टर्स, टीचर्स और कला साधकों को जिनके सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। सर राकेश को गायन में तबला पर संगत करने के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं तकनीकी टीम व जिन्होंने लाइट सिस्टम संभाला।
अंत में आप सभी को धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए तथा अपनी कीमती समय दिया। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।